गाइस, इट्स गायत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गायत्री क्रिएटिव डायरीज। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं ट्राई करने वाली हूँ मजाक आर्ट, वो भी मिरर्स के साथ। एंड आपको तो पता ही है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था एंड आपको चाहिए था बेस्ट मटेरियल से मोजैक आर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं, मोस्टली बेस्ट मटेरियल भी यूज करेंगे एंड जो बेसिक से मोजैक आर्ट रिलेटेड जो भी मटेरियल रहता है वो भी यूज करेंगे। एंड उससे हम क्या बनाने वाले हैं, इससे हम बनाने वाले हैं एक बिग साइज मिरर, जो कि बहुत ही एक आर्ट पीस की तरह आप घर को डेकोरेट करेंगे। एंड कैसे होने वाला है आगे इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये कार्डबोर्ड का शेप कट करते करते मेरे सीने छूट गए। आपको सिंपल भाषा में ये समझाती हूँ कि 31 सेंटीमीटर के दो स्क्वायर्स आपको इस तरीके से बनाने हैं कि सेंटर में आपका सर्कल मिरर आएगा और उसके बाद स्क्वायर्स निकालने हैं 31 के, जो कि डायगोनल होके तो उससे आपको एक स्टार शेप मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जो कार्डबोर्ड है उसका थिकनेस मुझे बढ़ाना था, इस वजह से मैंने दो पीसेस कट किए हैं एंड एक साथ उसको हम चिपका देंगे। अब वेस्ट मटेरियल कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, इस वजह से इतना सारा तामझाम करने की हमें ज़रूरत है, नहीं तो आप सिंपली MDF का एक बोर्ड ले सकते हैं एंड उसके ऊपर ये सिंपल सा आर्ट कर सकते हैं। बट बेस्ट पार्ट वेस्ट मटेरियल यूज़ करने का कि हमें कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई भी शेप हम यहाँ पर ड्रॉ करके उसको बना सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये यूनिक शेप चूज़ किया है। तो सिंपल स्क्वायर नहीं तो सिंपल राउंड रखने का कोई मतलब नहीं है अगर हम कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो। जहाँ पर मिरर आएगा उसे थोड़ा सा छोटा साइज, जो स्क्वायर्स के हम लाइंस खींच के जो कट्स होंगे ना, हेक्सागन शेप मिलेगा, वो हमें कट करके लेना है। अब कार्डबोर्ड है, एजेस क्लीन दिखने चाहिए, इस वजह से मैंने टिश्यू पेपर से इसको कवर कर दिया, तो एक अच्छा नीट क्लीन लुक आएगा। अब इसके ऊपर मोजैक आप डायरेक्टली करोगे तो भी अच्छा लगेगा, बट मुझे इसका थोड़ी सी स्ट्रेंथ और बढ़ानी है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर वॉल पुट्टी का पेस्ट लगा दिया। वॉल पुट्टी लगाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल शेप जो मुझे चाहिए था वो तो ये नहीं है, जो कॉर्नर्स है ना कट करने बाकी थे। तो वॉल पुट्टी लगाने के बाद मैंने वो कट कर दिया, बट आपको वो पहले से ही कट करके लेना है। एक्चुअल दो स्क्वायर्स एक दूसरे से लूप करके बनाया गया है, इस तरीके का ये शेप है, उसको प्रोमिनेंटली दिखाने के लिए मैंने 1-1 सेंटीमीटर के कुछ बॉर्डर्स इस तरीके से क्रिएट किए। अब बेसिक मोजैक आर्ट हम स्टार्ट करते हैं ना, उसके लिए खास चीज़ लगेगी जो कि है मिरर्स। तो ये मिरर्स थे एंड हमें पास दूसरे भी मिरर्स है जो कि मैंने इस चॉकलेट बॉक्स में रखे है। अब ये वाले मिरर्स मैं लोकल मार्केट से, होलसेल मार्केट से लेके आई थी। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट लोकल मार्केट अगर आप एक्सप्लोर करोगे होलसेल मार्केट तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के बड़े बड़े पैकेट्स मैंने ले लिए क्योंकि मोजैक आर्ट में मिरर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एंड जो साइज़ अवेलेबल होती है ना, तो उसके ढेर सारे मिरर्स आपको लगेंगे। तो नेक्स्ट बारी आती है इसको मिरर्स को स्टिक करने की। तो ट्वीज़र की हेल्प से, मुझे लगा था कि ट्वीज़र की हेल्प से इतना आसान नहीं होगा, बट हाथों से डायरेक्ट मिरर लगाने से अच्छा है कि ट्वीज़र ले गया एंड मिरर्स उसके साथ जल्दी से चिपक भी जाते हैं, अच्छे से आप उसको अलाइन भी कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पर मैंने बॉर्डर क्रिएट की थी 1 सेंटीमीटर की, वहाँ पर मैं पूरे ऐसे रेक्टेंगल शेप वाले जो मिरर से उनको चिपका रही हूँ ताकि प्रोमिनेंट से बॉर्डर दिख जाए एंड उसके बाद बीच में जो स्क्वायर्स के पोर्शंस दिखेंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके से बॉर्डर क्रिएट किए हैं कि वो लूप बन जाएगा, आपको आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने लीफ पैटर्न का एक शेप बनाया हुआ है। अब इसमें कुछ तो मिसिंग था ऐसा लग रहा था, इस वजह से मैंने ये वाले कुंदन्स, ऑरेंज कलर के कुंदन्स यहाँ पर ऐड कर दिए एक फ्लावर शेप में, तो एक पॉप ऑफ कलर भी ऐड हो जाएगा। अब मोस्टली मोजैक आर्ट में वाइट बेस रखा जाता है, कलरफुल भी किया जाता है। तो ये है टाइल पाउडर, जो टाइल्स लगाने के लिए यूज़ होती है ना, तो वो वाली ग्राउट पाउडर है। इसको सिंपली आपको पानी डाल के मिक्स करना है एंड मोजैक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब इसको कलरफुल किस तरीके से बना सकते हैं। एक्चुअली ये पाउडर दो कलर्स में ही आती है, वाइट एंड ब्लैक बेस भी आता है, तो मैंने वाइट लिए ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसमें यूज कर पाए। अब मुझे चाहिए था सी ग्रीन या सेज ग्रीन करके कलर चाहिए था, तो ग्रीन एंड ब्लू का सेम अमाउंट में मिक्सचर मैंने मिक्स किया एंड कुछ इस तरीके का उसका आउटपुट आ गया। अब सिंपली आपको इसको स्प्रेड करना है, तो पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं पहले स्प्रेड कर रही थी, और जो कर कर आवाज़ आ रही थी ना मिरर्स के ऊपर, उससे ना बहुत इरिटेट हो रहा था इस वजह से, तो हाथों से ही पूरी ग्राउट पेस्ट को मैंने क्राफ्ट के ऊपर पूरा लगा दिया। एंड ये स्टेप ना आपको मिरर्स पूरा सूखने के, मिरर्स चिपकाने के 2 घंटे बाद ही करना है। पेस्ट लगाते समय मिरर्स उसकी पोजीशन छूट ना जाए, इस वजह से प्रॉपर मिरर्स चिपकाने के बाद थोड़ी देर उसको सूखने दीजिएगा एंड बाद में ही ये स्टेप कीजिएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये मोज़ेक आर्ट, इस वजह से जो मुझे लगा कॉशन लेने चाहिए वो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। अब ये पूरा पेस्ट लगाने के बाद उसको थोड़ा सा स्मूथ आउट करना है स्पंज के हेल्प से एंड उसको सूखने देना है। सूखने के बाद आपको क्लीन कपड़ा लेना है एंड मिरर्स को साफ करना है, वो इजीली साफ हो जाते हैं। अब बारी आती है जो बीच में एम्प्टी स्पेस है उसको ऊपर मिरर लगाने की। अब मिरर कैसे लगाएं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि कार्डबोर्ड का बेस है और मिरर का वेट भी है, तो किस तरीके से लगाए, तो मैंने क्या किया, ढेर सारा फेविकॉल लगाया एंड उसके ऊपर एयरड्राई क्ले, जो मोल्डेड क्ले आती है वो भी लगा दी ताकि सिक्योर हो जाए, एंड साइड से भी मैंने पूरा क्ले से कवर कर दिया ताकि कार्डबोर्ड के ऊपर वो अच्छे से चिपक जाए। एंड हैंग करने के लिए एक मैंने हुक भी ऐड कर दिया। अब फाइनल टचेस देने की बारी आती है। जो मैंने पैटर्न बनाया है ना उसको थोड़ा खूबसूरती से दिखाने के लिए मैंने वाइट बॉर्डर ऐड कर दी, तो एक्रेलिक पेंट एंड स्मॉल ब्रश से कुछ इस तरीके से मैंने वाइट लाइंस ड्रॉ कर दी ताकि वो बॉर्डर क्रिएट हो जाए एंड जो मुझे शेप दिखाना था वो प्रोमिनेंटली दिखाई दे। एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहले एक बार देख लो कि ये खूबसूरत मिरर हमने कार्डबोर्ड से किस तरीके से बनाए हैं। कोई भी बता नहीं सकेगा कि ये हमने कार्डबोर्ड से मिरर बनाया है, ऐसा लग रहा है किसी शॉप से हम ये आर्ट पीस लेके आए हैं। तो एज अ एक्सेंट पीस वॉल को डेकोर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ इट टर्नड आउट एंड मुझे बहुत पसंद आया। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मोज़ेक आर्ट, बट मैं बहुत ढेर सारे विदाउट यूजिंग एनी मिरर हम किस तरीके से मोज़ेक आर्ट बना सकते हैं वो भी बहुत सारे आइडियाज़ है, वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगी। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन, तो आपको इस तरीके के नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड कुछ खास स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो मैं ट्राई करूँ तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।